सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इस प्रॉब्लम पर कि क्वेश्चंस अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो क्या करें। अगर आपने सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम दिया और उसमें आपने थ्योरी अच्छे से करी पर प्रोग्रामिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, फिर भी सेमेस्टर वन बढ़िया चला गया और अब आपको एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चन लग नहीं रहे, तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने कई सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं, उस वजह से वो एरे और स्ट्रिंग में आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। तो जो पहला एग्ज़ाम था उसमें तो ऑब्जेक्टिव था तो आपका आसानी से निकल गया, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी प्रोग्राम की, फिर भी आपका सही हो गया। लेकिन अगर आपको वो गैप फिल करना है तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस तो लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने आज की वीडियो में 30 क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, उनमें से मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करी, जैसे इफिल्स हो गया, लूप हो गया, ये सब चीज़ें मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी उन क्वेश्चंस में। तो वो क्वेश्चंस अगर आप ट्राई करेंगे तो आपसे सारे प्रोग्राम हो जाएंगे जो एरे और स्ट्रिंग में इंक्लूडेड हैं। तो जो पहले 10 क्वेश्चन हैं वो बेसिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं जो कि सेमेस्टर वन में था, बाकी जो 20 क्वेश्चन वो एरे और स्ट्रिंग के हैं जो कि सिंपल क्वेश्चन से लेकर के टफ क्वेश्चन तक सब कुछ इंक्लूड किया गया है उस 30 क्वेश्चन में। तो जो PDF आपको मिलेगी उसमें 30 क्वेश्चन है अराउंड, और इसमें 10 क्वेश्चन के 3 सेक्शन हैं। पहला बेसिक प्रोग्रामिंग का है, दूसरा आपको स्ट्रिंग का मिल जाएगा और तीसरे में एरे के क्वेश्चंस हैं। तो करना क्या है आपको, पहले बेसिक प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना है। इसमें जो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें पहले तो सिंपल क्वेश्चंस हैं कुछ, उसके बाद नीचे यहाँ पर ये इफ़ वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इसमें आपको कई सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेंगी अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर फॉर लूप के क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर बैक जाइए, यहाँ पर आपको ये यहाँ पर ये लूप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। रिवर्स जब आप करेंगे तो यहाँ पर लूप यूज करेंगे, वाइल लूप, तो यहाँ पर उसका भी यूज आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो नंबर्स हैं इसमें भी लूप यूज होगा और कई सारे लॉजिक यूज होंगे, नंबर्स का सम कैसे करेंगे, डिजिट का सम कैसे करेंगे, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा प्रोग्राम कैसे करते हैं। और नीचे यहाँ पर स्ट्रिंग के क्वेश्चन है, स्ट्रिंग क्वेश्चन इसमें से कई सारे आपको शायद आपसे ना हो पाएँ, तो स्ट्रिंग के क्वेश्चन जो टफ होंगे या फिर मीडियम भी होंगे उनको हम खुद से करके अपलोड कर देंगे जो इसमें इंक्लूड है। तो इतने क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपसे क्वेश्चन लगने लगेंगे जो बुक में है, वो भी ये भी बुक के ही हैं बट आपको कुछ नए नए बुक में मिलेंगे तो आप उनको भी सॉल्व कर ले जाएंगे। एरे यहाँ पर एरे के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एरे के क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपसे एरे के क्वेश्चन भी लगने लग जाएंगे, पर आपको 30 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने होंगे। तो अगर आप जैसे सॉल्व कर रहे हैं नहीं हो रहा है तो आप उन जो नहीं हो रहा आप उसको टॉपिक को बुक में इंटरनेट पर इधर उधर सर्च करके पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद एक बार पढ़ने के बाद आप खुद से पूरा प्रोग्राम लिखेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस बन पाएगी। एक बार हो सकता है देख लें, दो बार देख लें, पर उसके बाद आपको खुद से क्वेश्चन लिखना ही लिखना है। उस तरह के कई सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे तो आप उन्हें खुद से सॉल्व कीजिए, उसमें कोई हेल्प ना लीजिए, इस तरह सॉल्व करके देखिए, तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं इन 30 क्वेश्चंस का भी। तो ये 30 क्वेश्चन मैंने इस तरह बनाया कि इसमें बेसिक टू एडवांस आपको ले जाए। जैसे 10 क्वेश्चन तो इसमें 3 क्वेश्चन आपको बहुत आसान मिल जाएंगे, तो जो आपको PDF मिलेगी उसमें मैं यहाँ पर साइन बना दूंगा, जैसे कि ये क्वेश्चन कोई अगर हल्का क्वेश्चन है या फिर आसान क्वेश्चन है तो उसे मैं ग्रीन से कर दूंगा, तो उसको यहाँ पर मतलब ग्रीन से एक सिंबल बना दूंगा उस क्वेश्चन के आगे, ऐसे सर्कल या फिर स्क्वायर कुछ भी मैं बना दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसा है। तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले आप ग्रीन वाले सारे सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद येलो वाले, और जो टफ़ होंगे उसे मैं रेड से कर दूंगा। टफ इसका मतलब ये नहीं कि आपसे होगा नहीं, टफ इसका मतलब कि अगर आपकी ग्रीन वाले नहीं हो रहे हैं तो वे टफ़ वाला कैसे हो पाएगा। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आपसे सारे लग जाएंगे। और स्ट्रिंग के जो क्वेश्चन है उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन है उसमें, या फिर आपको थोड़ा सा अलग लगेगा क्योंकि एरे और इसमें बाकी में आप नंबर से खेल रहे होंगे, लेकिन स्ट्रिंग में वर्ड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी आपको आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन रॉय, ये एक सेंटेंस इनपुट कराना है, फिर इस सेंटेंस से आपको पहले और हर एक वर्ड का पहला और आखिरी करेक्टर हटा के फिर आपको आउटपुट कराना है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो खुद से कर लीजिएगा, नहीं ये मैं अपलोड कर दूंगा कि कैसे करना है। तो इस तरह के अगर जैसे मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चन है स्ट्रिंग के, तो 3 या 4 मैं करके दिखा दूंगा, तो बाकी 3 या 4 आप खुद से कर लेंगे और बाकी 1-2
वो तो क्वेश्चन आसान ही या फिर आपको बुक में ही मिल जाएंगे, तो वो आप खुद से कर लेंगे। तो अगर आप स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए क्वेश्चंस को करना, और यहाँ पर जैसे बेसिक, पहले बेसिक प्रोग्रामिंग की कर लीजिए, उसके बाद स्ट्रिंग और एरे पढ़ने के बाद, चैनल पर जो स्ट्रिंग और एरे के लेक्चर्स पढ़े हैं उनको पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। आपसे अगर क्वेश्चन होंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये 30 क्वेश्चन अगर आप अगले 10 या 15 दिन में लगा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्वेश्चन से रिलेटेड, और अब आपके क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, तो टेलीग्राम ग्रुप से या फिर ज्वाइन हो जाइए, या फिर आप ईमेल कर दीजिए, आप हमें बता दीजिए क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको बता देंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। इन 30 क्वेश्चंस का मतलब यही है कि आपको खुद को टेस्ट करना है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अगर आपसे अगर इजी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपको थोड़ा वर्क करना है अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स पर। अगर आप से मीडियम क्वेश्चंस हो जा रहे हैं तो आप मीडियम क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आपसे हार्ड क्वेश्चन भी लगने लगेंगे। और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको कैसे वीडियोस चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे और अब ऐसे वीडियोस लाएंगे आपके लिए। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।